गम काल पतरो गलिताम फलाम निगम काल पतरो गलिताम फलाम सुख मुखाद अमृताद्दवसान्युताम सुख मुखाद्दवसान्युताम पिबत भागवतम रसमालयाम पिबत भागवतम रसमालयाम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम पिबत भागवतम रसमालयाम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का विषय खरवास। खरवास का महत्व क्या है, खरवास किसे कहते हैं, खरवास में क्या करना है, खरवास में क्या नहीं करना है, इसी विषय पर आज हम सब लोग थोड़ा सा विस्तार से ज्ञान देंगे। अगर खरवास जानना है तो कितने प्रकार के खरवास हैं एक साल में, खरवास को जानने के लिए सबसे पहले पंचांग को जानना चाहिए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राशि। इसी प्रकार से हम सब लोग नक्षत्र 28 होते हैं, 27 और अभिजित नक्षत्र को लेकर के 28 हो जाता है, और राशि ढाई नक्षत्र के एक राशि होते हैं। अगर हम सब लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करते हैं, जब भी एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका संक्रांति कहा जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां हैं, और एक साल में दो खरवास आता है। खरवास, खर का मतलब होता है उतना शुभ योग नहीं होता संस्कार करने के लिए। नहीं कहा गया कि पूजा पाठ नहीं करो, पूजा पाठ किया जाता है, जिससे संस्कार नहीं किया जाता है वो खरवास कहलाता है। और खरवास कैसे कहला जाता है, क्योंकि जब सूर्य विशेष करके मीन राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तब एक खरवास आता है, और वो विशेष करके अप्रैल मास में, चैत में आ जाता है, मास अप्रैल में हो जाता है। और जब सूर्य धन राशि में आता है तब खरवास पड़ता है, और सूर्य कल 16 तारीख को धन राशि में प्रवेश कर रहा है और एक मास तक उस राशि में रहेगा, तो उस राशि में आप सभी लोग, जितने भी हम सब लोग अपना कर्मकांड पद्धति अनुकूल जितने लोग जानते हैं संस्कार, संस्कार और पूजा, ये दो अंतर है इन दोनों चीज़ों में। पूजा हमेशा नित्य करते रहते हैं, पूजा करना कोई विरुद्ध नहीं है, हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, हमेशा करते रहना चाहिए। पूजा का कोई नियम नहीं होता, कोई विशेष करके टिप्पणी नहीं होता, हाँ विशेष पूजा का विशेष नियम है संयम है, लेकिन जो नित्य पूजा करते हैं, जो हम सब लोग नित्य संध्या वंदना अपने घर में पूजा पाठ, तुलसी पूजन, सूर्य अज्ञ, जुनबा अर्घ आदि जो भी कुछ है, वो सब के सब हम सब लोग बराबर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि हम सब लोग कहते हैं नहीं, खरवास हैं तो ये नहीं करना चाहिए, खरवास हैं तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं, खरवास इस कार्य के लिए नहीं होता है, खरवास में संस्कार नहीं किया जाता, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ, विवाह संस्कार, नया घर में प्रवेश करना, ये जो नई कार्य होता है, इन सब चीज़ों को खरवास में नहीं किया जाता।
और विशेष करके जो कि हम सब लोग नित्य पूजा पाठ करते हैं, उन सभी पूजा पाठ को हमेशा करना चाहिए। कथा वंदना, पूजा पाठ आदि जो भी हम सब लोग हमेशा करते रहते हैं, ये खरवास उसके लिए कोई अंतर नहीं रखता, क्योंकि खरवास संस्कार के लिए, जिस संस्कार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि खरवास का मतलब होता है जो समय संस्कार करने के लिए उतना उत्तम नहीं रहता, इसीलिए खरवास कहा जाता है। तो यह साल 16 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक खरवास है, जिसमें आप सब लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं करना चाहिए। मंदिर परिषद की ओर से यह विशेष करके हम सभी लोगों को प्रार्थना करते हुए यही वंदना करते हैं कि आप सब लोग एक साल तक हमारे साथ रहे। आप सब लोग कार्यक्रम में, विशेष करके मैं मंदिर परिषद की ओर से सभी हमारे आचार्य गणों को, हमारे सभी कर्मठ सेवकों को, हमारे सभी लोगों को, MBC TV को, रेडियो को, सभी कार्य को सुंदर बनाने के लिए हमारे मंदिर की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद का पात्र देते हैं, क्योंकि संसार में आप हैं तो हम सब लोग हैं, और इसीलिए संसार में जो भी कार्यक्रम चलता है, जो भी कार्यक्रम हम सब लोग करते हैं, MBC के सहयोग से, रेडियो के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य को सुंदर बनाया जाता है, और इस कार्य को आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए श्रोता नहीं, MBC नहीं, तो कुछ भी नहीं, इसलिए इस कार्य को सुंदर बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग होता है। और एक साल तक आप लोगों ने हम सभी लोगों का साथ दिया, और एक साल तक बहुत सुंदर से इस कार्यक्रम को किया गया, TV से लेकर के, रेडियो से लेकर के, हम सभी लोगों को, विशेष करके मंदिर परिषद की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद है। श्रोतागण, विशेष करके नया साल तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2022 जा रहा है और 2023 का आगमन होता है। ऐसा देखा जाए तो नया साल हम सब लोगों का उगाड़ी का दिन होता है, क्योंकि पंचांग का प्रारंभ उगाड़ी से होता है। युगाड़ी से पंचांग का प्रारंभ होता है, नक्षत्र राशि पंचांग को देखने का सारा कुछ प्रारंभ होता है युगाड़ी से। तो हमारा साल जो होता है वो विशेष करके युगाड़ी से प्रारंभ होता है, और विशेष करके हम सब लोगों का जो पुराना वर्ष चला जाता है, जो कि 2022 जाएगा और 2023 का आगमन हो जाता है, तो इसलिए सभी का कामना हम करते हैं, मंगल कामना करते हैं सभी लोगों को, विशेष करके शुभ कामनाएं भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जो आने वाला साल है वो उत्तम रहे, स्वास्थ्य से, धन से, लक्ष्मी से, प्रेम से, सद्भावना से सभी लोग उत्तम रहे, ऐसा प्रार्थना हमारे मंदिर परिषद की ओर से हम सभी लोगों के लिए यह शुभ कामना करते हुए यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख में हमारा सुख है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सभी लोग अच्छा से रहे, परिवार कुटुंब सब एक सूत्र में होकर के स्वास्थ्य से अच्छा रहे, और अपने मनोकामना प्रभु का ध्यान करें, हमेशा नमन करें, सत्य कर्म करें, क्योंकि सत्य कर्म ही हम सब लोगों को मनुष्य योनि में लाता है, और सत्य कर्म ही हम सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं, सत्य कर्म कर लो, सत भाव भर लो, सत कर्म कर लो, सत भाव भर लो, ऐसा समय फिर आए और न आए, ऐसा समय फिर आए और न आए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।